हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी स्कूल। आज हम हमारे क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा मैकेनिक्स एंड नॉन मैकेनिक्स का है, और इससे पहले मैं 3 यूनिट्स बना चुका हूँ इसी चैप्टर के ऊपर, उन सब मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्सप्लेन किया है, और ये हमारी फोर्थ वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली यूनिट को नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि उनको भी देख लीजिएगा, इसी चैप्टर की पहली यूनिट को देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप समझाया था कि हमारे जो मैकेनिक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं नो रिएक्टिव मैकेनिक, कुछ होते हैं मिडिल रिएक्टिव मैकेनिक, और कुछ होते हैं हैंगी रिएक्टिव मैकेनिक। तो हम अब पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नो रिएक्टिव मैकेनिक की शुरुआत करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ नो रिएक्टिव मैकेनिक, ठीक है। अब क्या इनकी इनमें जो ऑलमोस्ट जो नो रिएक्टिव मैकेनिक होते हैं वो सारे सल्फाइड ओर होते हैं, एक्चुअली सल्फाइड ओर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा यहाँ पे सिनेबार, और कहते हैं मरकरी को सल्फाइड जो होता है हमारा, जो मरकरी के ओर को सिनेबार कहते हैं, और इस ओर का फॉर्मूला होता है HgS, जो मैंने आपके सामने लिखा है। हमने लास्ट हिंदू में पढ़ा था कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको रोस्टिंग की प्रोसेस के द्वारा उनके ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो HgS को हम जब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा HgO, या कहें तो मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम HgO या कहें तो मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे वापस से, और फिर फॉर्म होगा हमारा मरकरी प्लस क्या बोलते हैं हमारा ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस से हमने क्या किया, एक नो रिएक्टिव मैकेनिक जो हमारा मरकरी था, एक्चुअली ये मरकरी हमारा एक नो रिएक्टिव मैकेनिक होता है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो इस प्रोसेस से हमने मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया, और आखिरी में हमने क्या किया कि पहले तो हमने वो कर रहे थे कि पहले हमने उसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर हमने इसको हीट किया, और हीट करने के बाद वो सिंक हो गया, ठीक है, हाँ, मरकरी और ऑक्सीजन में सिंक हो गया वो। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मिडिल रिएक्टिव की, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मिडिल रिएक्टिव की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मिडिल रिएक्टिव की, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जिंक का। आपको मैंने लास्ट की वीडियो बताई थी, उसमें देखिए जिंक के देखिए दो ओर होते हैं, ठीक है, जिंक के दो ओर होते हैं। हम एक एक ओर खेल चलेंगे। पहला हम ओर लेंगे जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, है ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा रोस्टिंग प्रोसेस होगा। ओके, कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग। इसके बाद देखेंगे पहले हम, अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस XO2 फॉर्म हो जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड को आप डिग्रेशन करके, मतलब हीट करके, यहाँ पे भी हीट लिख दीजिए, हीट करके हम जिंक प्लस O2 फॉर्म कर सकते हैं, और ये प्रोसेस हो गया हमारा रोस्टिंग, ठीक है। और एक और होता है जिंक का, क्या बोलते हैं हमारा और जो फॉर्म में होता है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसको हम सिर्फ हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे इन लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, सॉरी। तो क्या फॉर्म होगा, जिंक प्लस हमारा जिंक प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से सेम करेंगे, जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जिंक प्लस O2 फॉर्म करेंगे। तो दोनों प्रोसेस में जिंक यहाँ पे फॉर्म हुआ, जिंक यहाँ पे फॉर्म हुआ, और ये प्योर जिंक होता है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जितने भी मिडिल रिएक्टिव के मैकेनिक होते हैं वो दोनों फॉर्म में होते हैं, या तो वो सल्फाइड ओर में होंगे और या तो वो कार्बोनिक ओर में होंगे। ओके, आई होप आप समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ हाई रिएक्टिव की, ठीक है,
हायर या क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हायर हायर रिएक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप समझाने के लिए देखिए आपको मैं बता दूँ कि जितने भी हायर रिएक्टिविटी के मगन होते हैं ना उन सब का जो क्या बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ दी मगन का जो हायर रिएक्टिविटी के होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन की मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं या तो क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है, क्लोराइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में और ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे हम NaCl। ठीक है, यहाँ पे हम नमक की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम NaCl मतलब जो सोडियम का अपना ओर होता है, सोडियम का जो ओर है, ठीक है, सोडियम का ओर है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो सोडियम का मोल्टन केग होता है, ठीक है, NaCl इन मोल्टन केग होता है इसमें, ठीक है, उसको पिघलाया जाता है और उस केग में इसके इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, फिर क्या होता है कि हमारा जो सोडियम NaCl होता है ये सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन में डिवाइड हो जाता है। अब क्या होता है कि जो जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होता है उसमें ये चले जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दो होते हैं हमारे पास, एक होता है एनोड एक होता है कैथोड। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, देखिए कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे NaCl मोल्टन केक में है और यहाँ पे दो कुछ ऐसा संकेत बना होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये कुछ बैटरी टाइप है और यहाँ पे हमारे एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, कुछ अच्छी नहीं बनी मैं सॉरी NaCl। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, जो Na होगा और Cl होगा मतलब सोडियम और क्लोराइड होंगे, सोडियम क्या आएगा कैथोड की तरफ, यहाँ पे हमारा होता है एनोड, यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कैथोड। ठीक है, तो सोडियम जाएगा हमारे कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और क्योंकि ये प्लस है तो माइनस तरफ जाएगा, हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जिंग अट्रैक्ट ईच अदर, तो वैसे ही सोडियम हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे आके वो नेगेटिव के नेगेटिव पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक देखिए Na प्लस था नेगेटिव के पास गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फॉर्म करेगा Na मतलब हमारा मैगन फॉर्म कर देगा, और ये क्लोरीन है क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगी, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन जो है हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा और ऐसे ही क्या बोलते हैं हमारा फॉर्म हो जाएगा क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या एक्सट्रैक्ट हो गया, Na क्या बोलते हैं हमारे जो हमारा सोडियम है वो एक्सट्रैक्ट हो गया इस प्रोसेस के द्वारा, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, तो एक इसके पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताना चाहता हूँ, इसे कहते हैं थर्माइक रिएक्शन। ठीक है, थर्माइक रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा और इसकी जो क्या बोलते हैं एक हमारी रिएक्शन होती है वो लिख बताऊंगा आपको। देखिए Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्लस Al, मतलब जब भी आयरन ऑक्साइड के उसको फंक्शन किया जाता है और Al एल्यूमिनियम लिया जाता है तो फॉर्म होता है Al2O3 प्लस Fe। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन फॉर्म होता है वो मोल्टन केक में होता है और इसे यूज किया जाता है रेनबो क्रैश को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने
टू ज्वाइन ये हमारे इंट्रेंस केक में होता है, ठीक है, टू ज्वाइन हमारे रेंगवे क्रैक और एंड मशीन पार्क, ठीक है, मशीन पार्क जो टूटे होते हैं उनको जोड़ने के लिए, और जो रेंगवे क्रैक होते हैं उनके बीच में यहाँ जब टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमारा इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब रिएक्शन हो रही होती है Fe2O3 जब एल्यूमिनियम का रिएक्ट करता है तो इतनी ज़्यादा होते हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जो हमारा आयरन होता है जब वो ग्रिस्टलाइज हो जाता है तो वो एक मोल्टन स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है? मोल्टन, मोल्टन मतलब होता है पिघले हुए स्टेट में, और इसी मोल्टन आयरन को यूज किया जाता है फॉर द ज्वाइनिंग द रिंग में क्रैक। ओके, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब हम अगले, अब मैं यहाँ पे ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ जिससे हम ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास क्वेरी है तो आप बेझिझक होकर पूछिए, हम आपको आंसर देंगे वीडियो के रूप में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।